नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पत्रों की उपयोगिता हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी, क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में जितने भी नई घटनाएं घटित होती है उनकी नींव पत्रों को ही माना गया है। उन्हीं पर ये सारी घटनाएं आधारित है। परिवर्तन भी पत्रों पर ही आधारित है। देखिए, बताता है पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये पत्रों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है जिन्हें हम पुकारते हैं। आगे लेखक बताता है कि पत्र को हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं, जबकि SMS के संदेश को हम शीघ्र भूल जाते हैं। भारत में करोड़ों चिट्ठियां रोज डाकघर में डाली जाती हैं और यथास्थान वे चिट्ठियां पहुंचती हैं। तो इस प्रकार पत्र कितनी अहमियत रखते हैं उसके बारे में हमें इन डाकघरों से पता चलता है। आगे लेखक क्या कहता है, रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में जाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। इस पद्यांश में लेखक ने बताया है कि भाई भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर में डाली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि पत्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है और पत्रों का आज भी कितना मतलब योगदान है, अहमियत है। अहमियत का अर्थ होता है महत्व और एक अर्थ और हो सकता है गंभीरता। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1953 में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हजारों साल तक सबसे पहले जो संचार का साधन था वो केवल हरकारे। हरकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक, जो कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो हजारों साल तक घोड़ों के द्वारा और पैदल यात्रियों के द्वारा संदेशों को लाया और ले जाया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, तब पहिए आए। पहियों के आने से रेलगाड़ियां हैं, बसें हैं और छोटी बड़ी सारे वाहन, उनका आविष्कार किया गया। तो इस प्रकार संदेश पहुंचाने में इनका बहुत ही अहम सहयोग रहा, क्योंकि इनसे यात्रा बहुत ही शीघ्र समय में पूर्ण हो जाती थी और संदेश भी शीघ्र पहुंचाए जाने लगे। आगे लेखक बता रहा है कि तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। संदेश पहुंचाने का एक साधन और भी है जिसे तार कहा जाता है। इसमें बिना विलंब ही संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात अब टेलीफोन है, वायरलेस है और रेडार है, इनसे केवल
आकाशीय तरंगों के द्वारा ही मनुष्य घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे तकनीकी परिवर्तन के कारण, विकास के कारण, आज जो संदेश का भेजने का और लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सुगम बन गया है और बदल भी गया है। आगे लेकर कह रहा है कि पिछले शताब्दी में पत्र लिखन ने एक नया रूप ले लिया है। कहने का मतलब है पत्रों की अहमियत को हमेशा बनाए रखने के लिए डाक व्यवस्था ने भी विशेष प्रयास किए हैं। डाक व्यवस्था के द्वारा पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूलों में जो पाठ्यक्रम होता है बच्चों का, उसमें भी पत्र लेखन विषय शामिल किया गया। लेखक कहता है भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहात दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक ने बताया है कि भारत ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों में भी जो ये पत्र लेखन संस्कृति है इसको विकसित करने का प्रयास किया है। और विश्व डाक संघ ने तो अपनी ओर से बहुत ही अच्छा और उच्च प्रयास किया है। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का, मतलब जो प्रावधान है वो रखा, और ये जो प्रावधान है वो सन 1972 से शुरू किया गया था। तो इस प्रकार पत्र लेखन संस्कृति विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने भी अपना अहम योगदान दिया है और सहयोग किया है। आगे लेखक बता रहा है कि भाई गांवों में तो नहीं लेकिन शहरों और महानगरों में बहुत ही विकास होने के कारण संचार के जो साधन है उनमें पत्रों का जो महत्व है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, अर्थात पत्रों का महत्व कम हुआ है लोगों के लिए, क्योंकि शहरों और महानगरों में क्या है संचार की अन्य सुविधाएं स्थापित की गई है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये क्या है बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं शहरी लोगों के लिए तथा वहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। तो इस वजह से वे पत्र की अपेक्षा संचार के जो आधुनिकतम साधन है इन पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। लेकिन देहाती दुनिया यानी ग्रामीण दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। कहने का मतलब है जो पारिवारिक संदेश है वो क्या है अधिकतर लोगों द्वारा ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और मोबाइल के प्रयोग से ही पूर्ण हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं, किंतु जो व्यापारिक कार्य है वे सभी काम आज भी डाक की सहायता से ही पूर्ण किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है पत्र का जो महत्व है वो घटा है लेकिन बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर नहीं है। पत्रों का आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना पहले था, क्योंकि कई कार्य ऐसे हैं कई क्षेत्रों में जो मतलब
पत्रों के बिना पूर्ण नहीं होते हैं, जैसे कि व्यापारिक है और जो भी आज विद्यालय में यदि अवकाश के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है तो वहाँ पर भी हमें प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो कार्यालय कार्य, व्यापारिक कार्य और अन्य क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य पत्रों पर ही निर्भर करते हैं। तो आज भी पत्रों की उतनी ही अहमियत बनी हुई है जितनी पहले थी। इसका जो अगला अध्यायांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।